तो भाई नथिंग फोन 2 की यूरोपियन प्राइस सामने निकल कर आ चुकी है जो कि है $729। अब भाई देखो इस प्राइस को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे 59,000 के करीब जाता है, यानी 50,000 से भी ऊपर ये फोन जा रहा है। क्या इंडिया के अंदर भी यही प्राइसिंग देखने को मिलेगी और क्या कुछ अब तक कन्फर्म स्पेसिफिकेशन हो चुके हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। क्या अपने प्राइस पॉइंट को ये जस्टिफाई करेगा, वो सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले हम इस फोन की डिजाइन और लुक की ही बात करना चाहेंगे। लीक्स और ऑफिशियल लीक से ये तो कंफर्म हो चुका है कि नथिंग फोन 1 से बहुत ज्यादा डिफरेंट बिल्ड नहीं होने वाला है, लुक नहीं होने वाला है। यहां पर आपको सिमिलर टाइप का ही बैक देखने को मिल जाएगा, वही ग्लिफी लाइट इंटरफेस के साथ में। थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको राउंडेड एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाएगी, जो बिल्ट है वो अगेन ग्लास की देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं होंगे। डिस्प्ले की बात करें तो भाई डिस्प्ले में आपको पंच होल कटआउट ही देखने को मिलेगा, फ्लैट स्क्रीन होगी, कोई भी कर्व एडजस्ट नहीं होंगे। डिस्प्ले साइज इस बार आपको थोड़ी सी बड़ी मिलेगी नथिंग फोन 1 के मुकाबले, 6.7 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट होगा, एक OLED पैनल होगी, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन होगा और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इस बार भी सिमेट्रिकल से ही देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर भी कोई बहुत बड़ा ऐसा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हां डेफिनेटली यहां पर आपको थोड़ा सा अच्छा अपग्रेड मिलता है नथिंग फोन 1 के मुकाबले। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला CPU कंफर्म हो चुका है ऑफिशियल इस फोन के साथ देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग दे देगा, जहां पर DDR5 RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड 13 के साथ ये फोन आएगा और भाई एंड्रॉइड 14, 15, 16 तक का अपडेट, यानी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे और 4 ईयर तक के सिक्योरिटी पैचेस अपडेट मिलते रहेंगे। तो अपडेट्स और सॉफ्टवेयर UI के मामले में नथिंग को कोई भी पीछे नहीं कर सकता। भाई इन्होंने नथिंग फोन 1 के साथ में जो कुछ अपडेट्स दिए, जो भी इंप्रूवमेंट दिए, जो अभी तक सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट मिल रहे हैं, उससे मैं कह सकता हूं कि बेस्ट UI और बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाला फोन नथिंग हो जाता है। तो डेफिनेटली इस मामले में तो मैं ग्रेट बोलूंगा। लेकिन भाई कैमरास की बात करें तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है क्या कुछ देखने को मिलेगा, बट बैक में आपको डुअल कैमरा लेंस देखने को मिल सकता है, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सेंसर हो सकता है और ये एक सोनी सेंसर हो सकता है, कंफर्म OISP देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 16 या 32 की सेल्फी मिल सकती है, बाकी इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कह सकते। बट हाँ बैटरी कंफर्म हो चुकी है कि इस फोन में 4700 mAh की बैटरी मिल जाएगी और भाई इस बार चार्जिंग जो होगी ना वो 33 वॉट से ऊपर ही होने वाली है, लाइक 40-45 वॉट का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार भी सिमिलरली बॉक्स के अंदर चार्जर नथिंग नहीं दे रही है, बाकी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट होगा, कोई भी हेडफोन जैक नहीं दिया जाएगा और यही कुछ कंप्लीट डिटेल्स नथिंग फोन 2 को लेकर अभी तक सामने निकल कर आए हैं। बाकी गाइस अगर यूरोपियन प्राइस की बात करें ना तो इंडियन रुपीज में थोड़ा सा कम होकर आता है, लेकिन डेफिनेटली इतना भी कम नहीं होगा। इस फोन की जो प्राइसिंग है ना वो इस स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको 40-45,000 के करीब देखने को मिलेगी, यानी 45,000 के नीचे ही रहने वाली है बेस वेरिएंट के साथ में। लेकिन 45,000 के करीब भी अगर इस फोन की प्राइसिंग जा रही है ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये फोन अब गूगल के स्मार्टफोन्स जैसा लगता है, मतलब जो कुछ स्पेक्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये फोन 40,000 के नीचे होता तो भी एक बेटर डील होती। लेकिन इसके बारे में आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके, चैनल पे अगर पहली बार आओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नॉर्मल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।